वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज अपन जा रहे हैं बंदरचू नहाने, और ये आशिक आ गया है हमारे साथ। अभी एक और आ रहा है पप्पू, उसको वो आ जाए फिर चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ क्या कैसा है। ये आ गए हमारे पप्पू पीली। दोस्तों, जो अपनी आर्य कॉमेडी चैनल पर जो वीडियो शूट हुआ था गदर 2 का, तो यहीं की लोकेशन थी। जो अपना तारा सिंह वाला रोल था ना, वो यहाँ छतरी वहाँ अभी दिख रहा होगा शायद। और जो नल उखाड़ने का था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तारा सिंह नल उखाड़ने आया था तो फिर आतंकवादी नहीं उखाड़ने दिया था। यही वो नल है, यहाँ का लोकेशन आप देख सकते हैं। गाइस, ये नीचे कुछ ऐसा सीन है, यहाँ ब्रिज भी बना हुआ है। अब दिखा रहे हैं आपको ऊपर जो यहाँ बंदर रहते हैं और गुफा है, उसका क्या रहस्य है। यहाँ पहले सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई थी, अब बन गई हैं। और यहाँ जो बंदर हैं उनका क्या रहस्य है वो आपको दिखा रहे हैं हम। ये बंदर हैं, लगाइए ना चार्ज इसमें। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ले लगाइए, लगाओगे? राहुल बंदरों को दे रहा चश्मा, लगाओगे चश्मा? बहुत ज्यादा मलूक है बंदर, पता नहीं कितने सालों से यहाँ जमा है। ये कितने साल से इधर रह रहे हैं? 11 सालों से यहाँ ये बंदर रह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ जो है पहले माता जी रहा करती थी, दो माता जी रहती थी, एक तो यहीं पास के गांव जमुनिया की और एक और करौंदी द्यूरी की। अभी वो नर्मदा परिक्रमा में है, काफी दिनों से यहाँ नहीं आई। और यहाँ मंदिर का भी काम चल रहा है, काफी मंदिर जो है ये बन रहा है, इतना ही है। और बाकी यहाँ ऊपर से आप देख रहे हो तो ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, बढ़िया व्यू आता है। तो दोस्तों, यहाँ बनरचुआ धाम में एक गुफा भी है जहाँ पहले माता जी रहा करती थी, लेकिन इस गुफा का आज तक किसी को कोई रहस्य पता नहीं है। कहाँ जाती है, इसका अंतिम छोर कहाँ निकलता है, वो ये गुफा है। यहाँ तो अब गेट लग गया है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ शनि देव जी की भी स्थापना हो गई है, पहले स्थापना नहीं हुई थी। यह मोटू कूद रहा है चैटोर। आज मेरी चट्टी में टोंका है कि चट्टी फट गई चैले से। ये पप्पू है अपना चेला, ये आशिक अपना, इसके जिस्म पर नहीं जाना। मैं ऐसा कूदा था ना कि मेरी चट्टी नहीं पक गई थी। हाँ जल्दी, ये अपना आशिक, और ये आशिक दम भर रहा, और ये बन गया शक्तिमान। देखना, मैं एक राज की बात बता रहा है तुमको, यदि झाग में पानी डालते हो तो वो देखो, सुनो तो, भूल जाता है। ये एक बहुत अच्छा पिकनिक प्लेस है, यदि आप आना चाहते हैं तो आ जाएं। और इस समय यदि बारिश में आते हैं, सितंबर अक्टूबर तक भी आते हैं, तो यहाँ एक अच्छा आपको व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो ब्रिज बना है इसके नीचे पानी रहा आता है।
नहाने के लिए, नंबर वन प्लेस गाइस, नंबर वन प्लेस। और चलो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से घर।